चंबल के मुरैना जिले में प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर से 5 किलोमीटर दूर एक स्थल है बटेश्वर। हम में से अधिकांश भारतीय यह नहीं जानते कि बटेश्वर कभी भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर हुआ करता था, जहां एक साथ अलग अलग आकार प्रकार और संरचनाओं के 200 से अधिक मंदिर होते थे। 8वीं शताब्दी के मध्य से 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राटों द्वारा बनवाए गए उन मंदिरों का क्या हुआ? आज वो किस स्थिति में है? आज वो भग्नावशेष हैं, लाखों टन पत्थर बिखरे पड़े हैं। माना जाता है कि बटेश्वर आज देश का सबसे बड़ा जिग्सॉ पजल बनकर खड़ा है। बटेश्वर के बारे में कांग्रेसी राज के विचार कुछ ऐसे हैं, ये खंडहर हैं जो भूकंप में ढह गए, कभी बनवाए गए थे, अब इनका क्या मूल्य? उनके यही विचार हजारों हजार हिंदू मंदिरों के लिए भी रहे हैं। वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक पुरानी सी नीली तख्ती लगी होती है, उसी के साथ दायित्व समाप्त हो जाता है। आश्चर्य है कि भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसर के ध्वंस को भूकंप का परिणाम माना जाता है। 13वीं शती में आए किसी भूकंप की कल्पना कर ली जाती है, जिसका कोई प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। बटेश्वर के मंदिरों की वर्तमान दशा देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी तबाही तभी संभव है जब भूकंप की तीव्रता 8.5 से भी ऊपर की रही हो। सुप्रसिद्ध भूविज्ञानियों का मत है कि चंबल की मृदा संरचना और वहां बनाए गए इन मंदिरों का स्वरूप देखकर ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि ये मंदिर भूकंप में ध्वस्त हो गए होंगे। वैसे भी भारत के प्राचीन मंदिर अपने निर्माण के 300-400 वर्ष बाद ही नहीं टूटा करते थे। बटेश्वर में इन दिनों जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। प्रवेश से पहले सौंदर्यीकरण भी देखने को मिलता है। बटेश्वर मंदिर वाटिका में सर्वप्रथम एक विशाल अधिष्ठान मिलता है, जिसके कॉलम्स और वेदीबंध अपने वज्र जैसे सीने पर हजारों हजार टन खंडित शिलाओं को संभाले धसे पड़े हैं, शोकार्त समाधिस्थ। मानो कोई प्रिय के निष्प्राण देह अपनी जंघा पर लिए अपलक बैठा हो। कॉलम्स की हर दिशा पर गुर्जर प्रतिहार शैली की क्षरित वास्तुकला उदास पड़ती जा रही। ऊपर मंदिर की जंघा, कटिप्रदेश, वक्ष और शीश के सैकड़ों टुकड़े लदे पड़े हैं। आसपास केवल ध्वंस है, दर्जनों आमलक, शीश विहीन नंदी, 50 स्तंभों के खंडित भाग, टूटे हुए सिरदल। बाईं ओर मंडपिका शैली के मंदिर खड़े हैं, उनका पुनरुद्धार हुआ है, पंक्तिबद्ध पूर्ण आमलक कलश आदि के साथ। दाहिनी दिशा में सब कुछ आधा अधूरा, पूरी तरह ध्वस्त पस्त है। यह भग्नावशेषों में महाभग्न है। सरोवर का जल हरा है, यदा कदा ही कोई उसका स्पर्श करता है। काइयों ने उसमें स्थायी आवास कर लिया है। एक ओर प्रतीक्षारत गलियारे हैं, लगभग सभी छोटे मंडपिका मंदिरों के भीतर रिक्ति है, शिवलिंग होने के चिन्ह भर शेष हैं। पीछे दो मंदिरों में पूजा अर्चना आज भी होती है। थोड़ा और पीछे पहाड़ों से सटकर एक बड़े मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा, वह मंडपिका शैली का मंदिर नहीं रहा होगा। विस्तृत जगती की सुसज्जित चतुर्दिशाएं हैं, मंदिर का शिखर संवारा जा रहा। गर्भगृह का प्रवेश द्वार लगभग पुनर्निर्मित हो चुका है, सिरदल तक सज्ज। ऊपर शिखर की शोभा को पाना दुरूह मालूम पड़ता है। पत्थरों का ढेर लगा है, उनके बीच से मूर्तियां झांकती हैं, वह कैसे रूप आकार होगा कह नहीं सकता, कलावंत जुटे हैं। इन भूत भग्न देवगृहों और सुनियोजित तरीके से खंडित की गई प्रतिमाओं को देखकर कोई कैसे मान ले कि ये भूकंप में टूट गए? मध्य भारत में तो विनाशकारी भूकंप भी नहीं आए। हाँ, 12वीं 13वीं सदी में अरब से बर्बरों की फौज आई थी, उनके ही ध्वंस से भारत भूमि कंपित हुई थी।
इस पूरे क्षेत्र के 50 मंदिरों के आगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्वयं यह सूचना देती है कि यह मंदिर कब कब किस तुर्क अफगान मुगल सुल्तान के द्वारा तोड़ा गया। संपूर्ण ग्वालियर और मुरैना का क्षेत्र कई शतियों तक युद्ध भूमि में परिवर्तित हो चुका था। वहां कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बाबर, सिकंदर लोदी और औरंगजेब तक हमले करते रहे। मंदिर स्वयं प्रमाण देते हैं कि वे भूकंप में नहीं गिरे, बल्कि उन्हें जबरन गिराया गया।